चाची ए चाची ए चाची बवाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव के किसानों का चल रहा प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब यह प्रदर्शन पंजाब खोड़ के अलावा और चंदी के खेतों में भी पहुंच गया है। आज सुबह दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को डिटेन कर बवाना थाने ले गई। बता दें कि पिछले कई महीनों से दिल्ली के पंजाब खोड़ के खेतों में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। यह प्रदर्शन पंजाब खोड़ और चंदी मुंगेशपुर कटेवरा दरियापुर व आसपास के करीब आधा दर्जन गांव के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी ग्रामीण लोगों का आरोप है कि बवाना के और चंदी गांव और आसपास के करीब चार गांवों से पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से खेतों के ऊपर से हाई टेंशन लाइन बिछाई जा रही है। फसल खराब खड़ी फसल बर्बाद करने दो अरे उसके बाद फिर कर रहे हैं क्योंकि बड़े अधिकारी करवा रहे हैं इस काम को। इसमें प्रशासन का कोई रोल ना भाई मेरा क्या है वो मीडिया वाले का डीसी नोटिस करा क्या भाई अपील लगा रखी है इस खेत की जो हमने ये बोला क्या बच्चे इसमें सुनवाई कर ले। अरे जब ये अपील करा दो इसके लिए किसानों से अनुमति भी नहीं ली गई और ना ही इसके बदले किसानों को कोई मुआवजा दिया जा रहा है। पावर ग्रिड की तरफ से प्रोजेक्ट को शुरू कर दिए गए पावर ग्रिड की तरफ से प्रोजेक्ट को शुरू किए जाने के बाद से किसानों के खेतों में लगे फसल भी बर्बाद हुए हैं। सोमवार यानी आज सुबह कुछ किसान और चंडी गांव के अपने खेतों में प्रदर्शन के लिए पहुंच गए थे। उन्हें प्रदर्शन शुरू करना था लेकिन उससे पहले ही मौके पर पहुंचकर पुलिस किसानों को डिटेन कर थाने ले आई। किसानों ने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी से इस मसले को हल करने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली समाचार।